श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय बड़ा रोमांचक, बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। राजा से रंग खोना मतलब झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तक चले जाओ, ये कहानियां बहुत मिलेंगी। अरे हमारे पूर्वज तो जमींदार थे, बड़े ठाट से रहते थे, हमारी अभी भी गांव में पुरानी हवेली है, लेकिन हम तो भाई साहब चौल में रह रहे हैं। आप में से बहुत लोग इस पूरे विषय से ताल्लुक भी रखते होंगे कि आपके जो फोर फादर्स थे उनके पास काफी धन था और आपके पास धन नहीं है, और आप कितना भी कोशिश कर लो आप उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते। एक तो उसमें ये कहावत है कि जो बोलते हैं कि धन सात पुश्तों के लिए कमाई जाती है, तो जो आठ पुश्त होती हैं उन आठ पुश्तों तक एक जनरेशन का कमाया हुआ धन जाता है। अगर आपकी बदकिस्मती कि आप नौवे जनरेशन में हैं तो फिर वो धन आपके पास नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वो आठवें जनरेशन में नहीं आते हैं, आठवीं पीढ़ी आप नहीं है, आठवीं पुश्त आप नहीं है, और तब भी आपका धन का क्षय हो गया, आपने सामने देखा कि पूरा जमींदारी ठाट बाट था, पैसा था, दौलत था, बैंक बैलेंस था, बाहर देश में जाना था, आप कुछ नहीं हो पा रहा, अपनी इज्जत मेंटेन करने में आपका पूरा खर्च निकल जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, एक विषय है, अगर आप लोग मानते हो कि वो लाला लाजपत राय जी का एक आंदोलन जिसमें सबने अपनी जमीन दे दी भूदान, उसके चलते आप गरीब हो गए, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग उसमें भी ऐसे हैं जिन्होंने जमीन दी, बाकी जमीन रखी है, आज भी राजा साहब हैं। जमीन कितने भी दी हो लेकिन इतना जमीन सरकार ने छोड़ दिया था कि बहुत सारा जनरेशन निकल जाए। तो बात आती है कि अगर आपके पूर्वजों के पास इतना धन था तो आपके पास क्यों नहीं है? तो भैया बात घूम फिर कर आती है देवी और देवताओं पे कि आपके कुल में किनकी पूजा हो रही थी। देखो, किसी भी परिवार में अगर वो पुश्तैनी पैसे वाले हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक पुश्त में पैसा आ गया, उसके बाद पैसा नहीं आ रहा हो, या फिर अचानक से पैसा गायब हो गया हो, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि कोई ना कोई ऐसे देवी या देवता का आपके घर में पूजा हो रहा था जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अभी मुझे भी किसी ने YouTube पे ऐसा लिख के मुझे भेजा था कि आप मंत्र दे, तो बहुत लोग आए जिन्होंने मंत्र नहीं दिया और अपने साथ ज्ञान लेकर चले गए। मैं ऐसा नहीं करने वाला, चिंता नहीं करो, लेकिन ऐसा होता था पहले कि पिता अपने बेटे को मंत्र नहीं देता था, सोचता था अंतिम समय में दूंगा, और अंतिम समय तो किसी का लिखा हुआ नहीं है, या फिर किसी पे विश्वास नहीं होता तो शक्तियां जो है वो अपने आने वाले जनरेशन को नहीं देते थे। मैंने ऐसा दो तीन एग्जाम्पल देखा है। एक बहुत ही अच्छा धनाट परिवार था हमारे घर के पास ही में, अच्छे जमींदार थे, तो ऐसा लोग बताते हैं कि उनके घर में छोटे छोटे जीव रहते थे, मतलब छोटे छोटे इंसान रहते थे। छोटे छोटे मतलब कितने छोटे, वो जो धन चोरवा कहते हैं या धनदेवा कहते हैं वो नहीं, वो बिल्कुल ही छोटे क्रिएचर्स थे, मतलब 6 इंच 8 इंच के वेल बिल्ड क्रिएचर थे, मतलब जिसको हिम पुरुष कहते हैं हमारे यहाँ। तो लेकिन वो जब तक था, वो परिवार बहुत धनाढ्य था, वो परिवार का मुखिया मरा, उसने किसी को ज्ञान दिया नहीं, उसके बाद वो परिवार बिल्कुल ही क्षय हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया फाइनेंशियली वो परिवार। अब जो बचा हुआ है उसी को बेच बेच के खा रहे हैं। एक दूसरा परिवार था, उसमें पता नहीं था कि उसके मुखिया किस चीज की पूजा करते हैं, लेकिन परिवार धनाढ्य था। अब क्या हुआ कि मुखिया का देहांत हुआ, अकस्मात मृत्यु थी, और उसके बाद उसके सुपुत्र पे वो जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे उसने पगड़ी बांधा उस पे जिम्मेदारी आ गई कि अब वो एंटिटीज को भी देखें, लेकिन एंटिटीज के बारे में जाने तब तो लोग देखें। अभी क्या है कि वो बंदा पागल है, हमेशा इलाज के लिए दौड़ता है, कभी स्थानांतरित के पास, कभी उस अघोरी के पास, उसे भी पता है कि घर में कुछ है, कुछ बदबू आती है, कुछ ये होता है। तो ये तो हो गया अप्राकृतिक शक्तियों के बारे में, लेकिन देव शक्तियां मैक्सिमम लोगों के घर में बैठाई जाती हैं, और जब देव शक्तियां बैठाई जाती हैं तो देव शक्ति की पूजा की एक विधि होती है। जैसे जब मैं रांची वाले भैरव बाबा की पूजा करता हूं तो मैंने एक मंदिर बनाया है जो कि सब लोगों का है, वो हर भक्त वहां आएगा अपने तरीके से। सॉरी, मैंने एक बात गलत बोल दी, रांची वाले भैरव बाबा में मंदिर में मैं जाता हूं और उनके कृपा से जो मंदिर बना है उसमें मैं जाता हूं, अपने हिसाब से पूजा करता हूं,
मेरे अलावा और भी भक्त जाते हैं जो पूजा करते हैं, और तांत्रिक जाते हैं जो पूजा करते हैं, और अघोरी जाते हैं पूजा करते हैं, पंडित जाते हैं पूजा करते हैं, तो बाबा को हर तरीके से पूजा मिलता रहता है। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर मैं नहीं भी रहूंगा तब भी बाबा को पूजा मिलता रहेगा, एक विधान से नहीं तो उनके 14 विधान है और इतने सारे भक्त हैं कि सब पूजा करते रहेंगे। लेकिन जब किसी ईष्ट को आप अपने घर में स्थापित करते हो तो उनका एक सेट रूल्स होता है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कभी भी माँ भगवती देवी काली की मूर्ति का स्थापना घर में नहीं करना अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आने वाला जनरेशन उसकी पूजा या सेवा नहीं कर पाएगा, वरना आगे वाले जनरेशन का नाश हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फ्यूचर का बताया कि आप मूर्ति की स्थापना मत करो। लेकिन अगर किसी पिंड का स्थापना आपके घर में हो गया है, किसी ग्राम देवता का स्थापना आपके घर में हो गया है, या किसी देवी देवता का स्थापना हो गया जिसके पूर्वज पूजा करते थे और आपको नहीं पता है कि किस चीज की पूजा हो रही है, और आप जो है डूबते ही जा रहे हैं और आपको उबार कोई नहीं सकता, तो उस स्थिति में क्या करना है? उस स्थिति में आपको चाहे तो एक ढंग के पंडित को पकड़ना है जो टिप टॉप में ना हो लेकिन ज्ञानी हो, या फिर एक औघड़ को पकड़िए, एक तांत्रिक को पकड़िए, उनको अपने घर में ले जाइए, उनसे पता करवाइए कि आपके घर में कौन सी शक्तियां विराज रही हैं। एक बार जब आपको शक्तियों का पता हो जाए, देखो आप जैसे आपके घर में भैरव की पूजा हो रही थी, आपको नहीं बताया गया था, लेकिन भैरव की किस विधि से पूजा हो रही थी ये बताना बड़ा कठिन है। तो आप सबसे पहले जिस भी शक्ति की पूजा हो रही है उसको एक स्थान दो, घर से बाहर एक छोटा सा मंदिर बना दो, वहां उनको स्थापित करो। पूरे मतलब अगर तापसिक देव है तो तांत्रिकों के माध्यम से उनको स्थापित करो, सात्विक देव है तो उनको सात्विक पंडितों के माध्यम से उनको स्थापित करवाओ, और उसके बाद जो भी उनका पूजा होता है उसके लिए पंडित रखना पड़े, और नहीं अगर कोई तांत्रिक है या परालौकिक है तो साल में एक बार उसको बलि देना हो, ठीक है। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने जगह से अपने ग्राम देवता या कुल देवता या जो भी गृह देवता है उसका स्थान बदलते तो बलि जरूर देना। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने किसी को मंदिर में रख दिया, आपके घर में था, सेवा नहीं हो पा रही थी, आपने मंदिर बनाया, लेकिन वो स्थानांतरण का एक फीस होता है, ऐसा आप समझ लो। अगर आप बलि नहीं दोगे, सात्विक बलि हो या तामसिक बलि हो, तो फिर वो आपके घर से बलि जाएगी। इसीलिए हमेशा बलि का प्रोविजन आप लोग रखना। वो आपको पंडित बताए नहीं बताए, आप उसको बोलना नहीं हम यही है भगवान, तब भी हम बलि देंगे, हम कोहड़े का बलि देंगे, हम कद्दू का बलि देंगे, या बकरे का बलि देंगे, भैंसे का बलि देंगे, जिसका भी देंगे, लेकिन बलि पड़ेगी जब भी आप स्थान दोगे किसी को, और साल में एक बार बलि पड़नी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको नहीं पता है कि कहाँ है तो एक ढंग के पंडित को या फिर एक ढंग के तांत्रिक को ले जाइए, पता करिए कि किस शक्ति का, मान लीजिए माँ भगवती है आपके यहाँ स्थापित, तो माँ भगवती के कौन से रूप की स्थापना आपके यहाँ की गई है। वो जो ज्ञानी होगा वो आपके यहाँ के पुराने पूजा पद्धति पूजा स्थान को देख करके और वहाँ के वाइब्रेशंस को फील करके बता देगा कि ये भगवती, उनका आप स्थापना करवा दो कहीं और उसके बाद उनके पूजा की व्यवस्था कर दो, ठीक है। दूसरा, अपने देखो क्या होता है, बहुत बार लोग जब घूमते हैं ना, जो जमींदार घूमते थे तो उनके घर साधु आते थे तो वो उनको बता देते थे आज से आप नाथ हो गए, तो फिर वो नाथों की पूजा करने लगे, अपनी कुल देवी देवता को भूल गए। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका किस भगवान से जुड़ाव है बचपन से, या फिर मैंने एक दो उपाय आपको बताए थे कुल देवी देवता को कैसे जाना जाता है, या फिर आपके पूर्व जन्म के देवी देवता कौन है, तो उनका पता करो आप, ठीक है, उस वीडियो को देखना, और उसके बाद उसकी स्थापना फिर अपने घर में कर दो, ठीक। उसकी स्थापना अपने घर में करके अपनी भक्ति से फिर उसकी उसकी पूजा करो आप। ऐसा करने से जो भी आपको धन का नाश हो रहा है या धन का क्षय हो रहा है वो तत्काल रुक जाएगा, ठीक है। जो देवी देवता आपके घर में थे उनको भी पूरा सम्मान के साथ आपने स्थान दिया, आपने बता दिया कि मेरे घर के चार दीवारी में आपकी हे भगवान ऐसी सेवा नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको स्थान दे रहा हूँ और आपका यथासंभव मैं भक्ति करूंगा। और आप जिस भगवान से जुड़ाव महसूस करते हैं या जो आपके कुल के भगवान है उनकी स्थापना करके अपने हिसाब से, अपनी भक्ति से, अपनी गुरु दीक्षा के हिसाब से उसकी पूजा करना, फिर जो आप जो डाउनफॉल में जा रहे हो वो फिर से आप ऊपर जाओगे। और एक बात और, चाहे तो अपने मृत्यु के पहले फिर उनको स्थान दे देना, या फिर अपने होने वाले जनरेशन आगे जनरेशन को बता देना कि मैं इस देवी देवता का पूजा कर रहा हूँ, और पूजा करने की का विधि ये है। हमारे हमारे परिवार में ये हो चुका है कि पता नहीं था कि कुल देवता कौन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा
जो आपकी हवेली है वो खंडर हो गई और आप खंडर को प्लास्टर नहीं करवा रहे हो, तो ये करोगे तो खंडर प्लास्टर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके रुद्रनाथ सर्च करिएगा और मुझसे बात कीजिएगा। अपॉइंटमेंट का लिंक मेरे वेबसाइट पे दिया हुआ है www.aghortantrahas.xyz, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे बात ना करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी पे माँ भगवती कृपा बरसाए नवरात्र में। आदेश आदेश अलग आदेश।